हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर दिख रहा हूं मैं धूप की दीवार का, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर हैं एंड इंडियन स्ट्रीमिंग साइट आप बोलो तो इस पे आपने बहुत सारे इंडियन शोज़ रिलीज़ होते हुए देखे होंगे बहुत सारे। तो एक शो जो पाकिस्तानी एक्टर्स पाकिस्तानी शो है धूप की दीवार, एंड इसको रिलीज़ किया जा रहा है जिसमें अहद हैं एंड एक्ट्रेस हैं सजल अली। Zee5 पर रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान का शो है ये। अगर इंडिया पाकिस्तान का शो है तो इसमें नोक झोंक तो होगी इंडिया पाकिस्तान वाली। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सर शेलिंग बहुत तेज हो गई है सर। पाकिस्तान फैंस यू नीड 136 क्रिकेट में वर्सेस पाकिस्तान इंडिया। इंडिया पुटिंग अप अ फैंटास्टिक शो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से शुरू हुई है। आई हेट क्रिकेट। जम्मू कश्मीर के जमलियाल में आतंकी हमला हुआ। मेरे बाबा ने ज्यादा बहादुरी दिखाई, दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। जो संदेश भारत की तरफ से जाना चाहिए था मेरे पिताजी ने सारा शरीर के पिता को दे दिया। दो शहीदों के बच्चों का पुरजोश टाकरा। हम दोनों तो दुश्मन है ना, मेरे पापा तुम्हारे बाप की वजह से। दुश्मन को इस बात से डरना चाहिए क्योंकि ये एक विजय मल्होत्रा नहीं था, करोड़ों विजय मल्होत्रा हैं। मेरे घर में जितना नुकसान हुआ है ना वो तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। वार लगा दी आपने तो पाकिस्तानियों की और लड़की की। कीदड़ की बेटी को क्या बातें सुनाई है इन्होंने। गोल्डन बॉय। यूनाइटेड बाय ग्रीफ। अच्छा ये एक साथ रहने का समझ में नहीं आया, क्या मसला है? तुम ठीक हो? ओहो दी कहानी पलट रही है। लगता है एक ही वक्त में सारे मसले इकट्ठे हो, समझ भी नहीं आ रहा। तुम क्या मुझे मेरी कहानी सुना रहे हो? इतने भी बुरे नहीं हो जितना मीडिया पर नजर आ रहे थे। तुम भी इतनी बुरी नहीं हो जितनी मैं मीडिया समझता था। ये जो तुम्हारे और मेरे मुल्क की जंग है ना, उसने बहुत से लोगों की जाने ली होंगी, लेकिन उससे ज्यादा खूनी रिश्तों को सफेद किया है। दुश्मन के बेटे से बात कर रही हूँ, मुझे सुना रही हूँ कि वो परेशान है। मगर दुश्मन का दुख भी तो हमारे जैसे ही है। अच्छे इंसान हो विशाल। विशाल दुश्मन है वो हमारे, ये कभी मत भूलना। थोड़ी सी मौत हमारी तरफ फेंक दे, थोड़ी सी हम उनकी तरफ। तेरा और उसका कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। लव विंस। दाइयों से यही हो रहा है, कई दाइयों तक यही होता रहेगा। मौत से आंख मचोली का खेल कोई तो खत्म करे दादी। सारा प्लीज डोंट बी मैड, वरना इंडिया और पाकिस्तान विल बी वेरी सैड। सारा वाह। आई डोंट नो कितने लोग अग्री करेंगे इस लव स्टोरी वाले कॉन्सेप्ट से कि इंडिया पाकिस्तान का लव स्टोरी सारा एंड विजय मल्होत्रा। तो बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, आई नो दैट। एंड आफ्टर ऑल दिस इज़ अ शो, वेब शो, वेब सीरीज़ कह सकते हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव मैसेज एंड पॉजिटिव वाइब्स इन दिस होल वीडियो। बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्ट जो हुआ है बहुत पुराने मसले हैं, सभी को पता है, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं बीच की, क्रिकेट से शुरू होती हैं एंड जंग से शुरू होती है वीडियो, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद भी जो साथ में रहने का मतलब इनका मिलने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा दिखाया है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि रहना पड़ता है इनको साथ में, कि तुम कैसी हो क्या हो, फिर अलग रह के भी बात करते हैं। तो पता चलता है कि मीडिया को ब्लेम किया जा रहा है कि मीडिया में जैसे तुम दिखते हो वैसा हो नहीं, वैसे हो नहीं इंसान, अच्छे इंसान हो। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है एक लव लाइफ के ऊपर, लव फीलिंग्स जो अंदर से उभर कर आती हैं उनकी तरफ जो एक टर्निंग पॉइंट दिखाया गया है इसमें, तो वो बहुत सही चीज़ दिखाई गई है। ओके आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं बात करके, कहीं ना कहीं मिलकर पता कर बात कर वो चीज़ आपको पता चलती है कि हाँ बंदा
अगला बंदा वो नहीं सोचता जैसा कि हमने उसको देखा था, या फिर हम सोचते हैं जिसके बारे में, वो वैसा नहीं है। तो एक ये मैसेज मिलता है कि आप बिना जाने बिना सोचे समझे आप किसी को कोई भी इमेज अगर आप उसको देख रहे हो बिना बात किए, आप उसके बारे में पर्सनली अगर नहीं जानते हो तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि ये बंदा गलत है या फिर ये या ये इंसान गलत है। एंड बहुत सारे लोग इसमें मुझे देखने को मिले कि आप दुश्मन की बेटी है, दुश्मन का ये वो, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हुए जो है नॉर्मली, जो आप देखोगे कि ज़िंदगियों में हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये चीज़ें हैं कि वो दुश्मन दुश्मन दुश्मन, बहुत सारी चीज़ें दुश्मन दुश्मन सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं। इसके बावजूद भी प्यार पनपता है, कल्ले निकलते हैं एंड वो पूरा पेड़ बन जाता है। लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि वो लोग दोनों मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि इनकी फैमिलीज नहीं चाहती हैं कि वो दुश्मन का बेटा है, वो दुश्मन की बेटी है। तो इस तरह के सीन चलता है एंड इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये दोनों मिल पाते हैं या फिर क्या हो पाता है। आई एम क्यूरियस टू नो कि इसमें क्या होगा आगे, क्या होने वाला होगा। कि ये सीन मुझे पता है कि भाई एक वेब सीरीज है, एक मूवी है, तो इसमें पॉजिटिव ही होगा। आई थिंक एट द एंड आपको सब कुछ सही देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन किस तरह से वो देखना इंटरेस्टिंग है। कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इस ट्रेलर के बारे में, इस सब चीज़ के बारे में। सो नेगेटिविटी को साइड रखकर कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, लाइक करके शेयर करो, कोई भी क्वेश्चन हो सजेशन हो कमेंट करो। सो बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।